आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को विषय अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज स्टैंडर्ड 5 सेकंड सेमेस्टर पढ़ाऊंगी। बच्चों, हम सेकंड सेमेस्टर में यूनिट 3 ट्रेवल टाइम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1, नीचे नु काव्य सांभो, दोहराओ अने गाओ। तो बच्चों, हमें यहाँ एक पोयम दी गई है जिसे हमें पढ़नी है। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड। तो इसका अर्थ ये होता है, बस के जो पहिए हैं वो गोल गोल घूम रहे हैं। राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। द पीपल ऑन द बस गो अप एंड डाउन। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो बस में लोग बैठे हैं वो कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। द डोर्स ऑन द बस गो ओपन एंड शट, ओपन एंड शट, ओपन एंड शट। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो बस में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो कभी खुल जा रहे हैं, कभी बंद हो जा रहे हैं, कभी खुल जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। द हॉर्न ऑन द बस गोज बीप बीप बीप, बीप बीप बीप, बीप बीप बीप। जो बस में हॉर्न है वो कैसी आवाज़ कर रहा है? बीप बीप बीप, बीप बीप बीप। द बेबी ऑन द बस सेज वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। जो बस में बच्चा बैठा है वो बोल रहा है वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। द मम्मीज ऑन द बस से शा शा शा, शा शा शा। तो वो बच्चे की माँ जो बस में बैठी है वो कहती है शा शा शा, शा शा मतलब के चुप हो जाओ। तो बच्चों, ये पोयम जो हमने पढ़ी इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना है अपने नोटबुक में। अब बच्चों आगे देखिए, एक्टिविटी 2A, चित्र जुओ अने स्थलों ना नाम लाखो। तो बच्चों, यहाँ पे हमें चित्र दिए गए हैं और उनका नाम हमें यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट चित्र दिया गया है हमें ड्राइंग हॉस्पिटल की, और सेकंड है गार्डन, थर्ड है पोस्ट ऑफिस, फोर्थ है स्कूल। तो आपको यहाँ उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों, जो बस की हमने पोयम पढ़ी उसके बारे में यहाँ दिया गया है एक्टिविटी 2B। बस जे जे स्थलों गई छे तेनु नक्शो अहीं आप्यो छे ते जुओ। तो बस जहाँ जहाँ गई थी उसका नक्शा हमें यहाँ दिया गया है। तो बस पहले कहाँ गई? हॉस्पिटल, उसके बाद स्कूल, थर्ड पोस्ट ऑफिस, फोर्थ फोर्थ होम, और फिफ्थ है गार्डन। तो इन स्थलों पर बस गई थी। फिर लास्ट प्लेस था, वो था रेलवे स्टेशन, वहाँ पर भी बस गई थी। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2C, जोड़ी में काम करो, कया स्थले कया व्यवसाय मळशे, योग रीते जोड़का जोड़ो अने नीचे आपेल जगह में वाक्य लखो। तो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है कि कौन सा व्यक्ति किस स्थान पर मिलता है उनको जोड़कर लिखना है। तो देखो, फर्स्ट क्या दिया है? ए पोस्टमैन इज। तो बच्चों, में पोस्टमैन कहाँ दिखाई देता है? तो एट द पोस्ट ऑफिस। तो हमें यहाँ लिखना है फर्स्ट में, ए पोस्टमैन इज एट द पोस्ट ऑफिस। थर्ड है ए फार्मर इज। तो फार्मर मतलब अर्थात किसान हमें कहाँ दिखाई देते हैं? एट द फार्म। तो सेकेंड में लिखना है ए फार्मर इज एट द फार्म। अब हमें थर्ड दिया गया है ए पुलिसमैन इज। तो पुलिसमैन हमें कहाँ दिखाई देंगे? पुलिस स्टेशन में। तो एट द पुलिस स्टेशन। तो थर्ड में लिखना है ए पुलिसमैन इज एट द पुलिस स्टेशन। फोर्थ में है ए डॉक्टर इज। तो डॉक्टर हमें कहाँ दिखाई देते बच्चों? हॉस्पिटल में। तो देखो, एट द हॉस्पिटल। तो ए डॉक्टर इज एट द हॉस्पिटल। फिफ्थ है ए टीचर इज। तो टीचर हमें कहाँ दिखाई देती है? नॉर्मल स्कूल में, एट द स्कूल। एट टीचर इज एट द स्कूल। तो ये एक्टिविटी यहाँ पर पूरी हुई। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। आगे देखिए,
हमें यहाँ दिया गया है एक्टिविटी 2D, चित्र जुओ, दरेक चित्र नु वर्णन सामने ने वाचो। तो बच्चों यहाँ हमें कई सारे ड्राइंग दिए और उनके बारे में भी बताया गया जो हमें पढ़ना है। देखिए फर्स्ट है, दिस इज द हॉस्पिटल, इट इज बिग। तो ये एक दवाखाना है अर्थात अस्पताल है और ये बड़ा है। देर आर मैनी डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल, वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर हैं अस्पताल में। देर आर मैनी नर्स टू, वहाँ पर बहुत सारी नर्स भी हैं। देर आर मेल नर्सेज एंड फीमेल नर्सेज, वहाँ पर पुरुष भी हैं, पुरुष नर्स भी हैं और स्त्री नर्स भी हैं। देर आर मैनी पेशेंट इन द हॉस्पिटल, वहाँ पर बहुत सारे मरीज हॉस्पिटल में हैं। देखो सेकेंड ड्राइंग बच्चों में दी गई है, दिस इज़ अ रेलवे स्टेशन, ये किए रेलवे स्टेशन है। देर इज़ अ टिकट विंडो एट द रेलवे स्टेशन, वहाँ पर टिकट खिड़की है रेलवे स्टेशन में। देर इज़ अ इंक्वायरी विंडो, वहाँ पर हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो वहाँ वो भी खिड़की है। देर आर पैसेंजर एट द प्लेटफॉर्म, वहाँ पर कई सारे मुसाफिर लोग प्लेटफॉर्म पर हैं। देर द पैसेंजर्स आर वेटिंग, वहाँ के जो पैसेंजर मुसाफिर हैं इंतज़ार कर रहे हैं। देर इज़ अ नो ट्रेन, वहाँ पर कोई ट्रेन नहीं है। हमें थर्ड ड्राइंग दिया गया है बच्चों, दिस इज़ अ पोस्ट ऑफिस, यह एक डाक घर है। इट हैज़ रेड कलर, वह लाल रंग का है। देर इज़ ए पोस्ट बॉक्स, वहाँ पर पोस्ट बॉक्स भी है। इट इज़ ऑल्सो रेड, वह भी लाल रंग का है। देर आर लेटर्स इन द पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स में चिट्ठियाँ हैं। देर आर स्टैम्प्स इन द पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर स्टैम्प भी हैं पोस्ट ऑफिस में। स्टैम्प अर्थात बच्चों होता है सिक्का, मतलब किसी चीज़ का हमें चित्र चिट्ठी पहुँचानी हो, पत्र पहुँचाना हो तो उस पर स्टैम्प लगाने की आवश्यकता होती है। द पोस्ट मास्टर इन द पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ के पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस में है। तो एक्टिविटी यहाँ समाप्त होती है भाई, एक्टिविटी 2 का ई। नीचे केटलाक नामों आप्या छे तेमने तेमना प्राप्त थवाना स्थलों ने आधारे गोठवो। तो बच्चों ये सर्कल में गोले में कई प्रकार के नाम दिए गए हैं और नीचे हमसे ये पूछा गया है, यहाँ पर हमें उनके नाम लिखने हैं। रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस में हमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो देखो यहाँ जो नाम दिया गया है, पहला है ए पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड बच्चों में कहाँ मिलता है, पोस्ट ऑफिस में। अभी ये ए नर्स, तो नर्स कहाँ मिलती है हमें, हॉस्पिटल में। ए पोस्ट बॉक्स, पोस्ट ऑफिस में। पैसेंजर्स, रेलवे स्टेशन। ए पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस। विंडो, रेलवे स्टेशन। टिकट्स, रेलवे स्टेशन। एट इंक्वायरी विंडो, रेलवे स्टेशन। ए इंजेक्शन, हॉस्पिटल। एक अने ए ट्रेन, रेलवे स्टेशन। इसी प्रकार बच्चों आपको भी इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। अब है एक्टिविटी 2F, जूथ में काम करो। आगळना कोष्टक पर थी उदाहरण प्रमाणे वाक्य बनाओ, बोलो अने लाखो। तो उदाहरण हमें यहाँ दिया गया है, देर इज ए नर्स एट द हॉस्पिटल। तो इसी प्रकार हमें लिखना है, फर्स्ट में देर इज ए पुलिस एट द पुलिस स्टेशन। सेकेंड में देर इज़ ए पोस्ट मास्टर एट द पोस्ट ऑफिस। देर इज़ ए नर्स एट द हॉस्पिटल, जो एग्जाम्पल में दिया गया है। इसी प्रकार आपको भी कई वाक्य बनाने हैं, जैसे देर इज़ ए टीचर एट द स्कूल। इसी प्रकार को आप प्रकार के वाक्य आपको बनाने हैं। एक्टिविटी 3, तमारी अने तमारा मित्र पासे कई कई वस्तुओ छे तेनी यादी बनावो। तो देखिए यहाँ पर आई हैव, मतलब जो हमारे पास हो। माय फ्रेंड है, जो हमारे दोस्त के पास हो। तो एग्जांपल के तौर पे दी गए न्यू गॉगल्स, जो आपके पास है। तो यहाँ हो सकता है न्यू पेंसिल, न्यू साइकिल, न्यू क्लोथ्स,
आप जो आपके फ्रेंड के पास हो वो भी आपको यहाँ लिखना है, जैसे कि न्यू टॉय बाइक, न्यू बुक्स, इस तरह आपको यहाँ लिखना है। एग्जाम्पल दिए गए हैं उसी प्रकार आपको नोटबुक में ये पोस्टक कंप्लीट करना है। बच्चों अब देखिए एक्टिविटी फोर ए चित्र जो अने तेनु वर्णन सांभळो, जोड़ी में बेसो अने ते वर्णन मोटे थी वाचो, तमारा मित्र संभळावो। तो बच्चों यहाँ हमें एक स्टोरी दी गई है जो हमें पढ़ना है। देखिए लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखो। देर इज द सी शोर, वह एक समुद्र का किनारा है। नेहा बहन इज गोलूस मदर, नेहा बहन गोलू की माता हैं। रोहित भाई इज गोलूस फादर, रोहित भाई गोलू के पिता हैं। पिंकू इज गोलूस सिस्टर, पिंकू गोलू की बहन है। रोहित भाई हैज ए न्यूज़पेपर, रोहित भाई के पास समाचार पत्र है। ही इज रीडिंग द न्यूज़ लाउड, वह समाचार पत्र की खबरें तेजी से पढ़ रहे हैं जोर आवाज़ में। नेहा बहन इज लिसनिंग द न्यूज़, नेहा बहन समाचार सुन रही हैं। सी हैज ए बास्केट, उनके पास एक बास्केट या टोकरा है। देर आर एप्पल्स इन द बास्केट, उस टोकरे में सेब हैं। गोलू एंड पिंकू आर प्लेइंग क्रिकेट, गोलू और पिंकू क्रिकेट खेल रहे हैं। गोलू हैज़ ए बैट, गोलू के पास बैट है। पिंकू हैज़ ए बॉल, पिंकू के पास बॉल है। देर इज़ ए बलून मैन, वहाँ एक गुब्बारे वाला है। ही हैज़ बलून्स, उसके पास गुब्बारे हैं। दे गो फॉर पिकनिक बाय बस, वह पिकनिक के लिए बस से गए थे। तो बच्चों ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। तो बच्चों देखिए एक्टिविटी 4B, जोड़ी में काम करो। एक्टिविटी 4A वाचो ने कोनी पासे शू छे ते शोधीने लाखो। तो पिंकूस मदर हैज़, तो पिंकू की मदर मतलब माता जी के पास क्या था, तो उनके पास बास्केट था, तो यहाँ आंसर आएगा बास्केट। पिंकूस फादर हैज़, पिंकू के पिताजी के पास क्या था, तो न्यूज़पेपर। नेहा बहन डॉटर हैज़, नेहा बहन की पुत्री के पास क्या था, तो बॉल। रोहित भाई सन हैज़, रोहित भाई के पुत्र के पास क्या था, तो बैट। एक्टिविटी 4E, समूह में काम करो। एक्टिविटी 4A ना आधारे प्रश्नों ना जवाब दो। तो बच्चों जो हमने स्टोरी पढ़ी थी उसी के अनुसार हमें यहाँ जवाब आंसर हमें देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ ए बैट, तो बैट किसके पास था, तो बैट गोलू के पास था, तो गोलू हैज़ ए बैट। हु इज गोलूज़ मदर, गोलू की माता कौन थी, तो आंसर आएगा नेहा बहन इज गोलूस मदर। व्हाट इज पिंकूस मदर्स नेम, तो पिंकू की माता का नाम क्या था, तो नेहा बहन इज पिंकूस मदर नेम, तो नेहा बहन नाम था। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इज पिंकू गोलूस कज़िन, क्या पिंकू गोलू की चचेरी बहन थी, तो आंसर आएगा नो, पिंकू इज नॉट गोलूस कज़िन। हु हैज़ ए न्यूज़पेपर, समाचार पत्र किसके पास था, तो रोहित भाई हैज़ ए न्यूज़पेपर। वेयर इज़ पिंकूस फैमिली, तो पिंकू की फैमिली कहाँ थी, पिंकूस फैमिली एट द सी शोर, पिंकू की फैमिली समुद्र के किनारे थी। इज देयर ए बलून मैन एट द सी शोर, क्या समुद्र के किनारे एक गुब्बारे वाला था, तो आंसर आएगा यस देयर ए बलून मैन एट द सी शोर। तो बच्चे ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो आपको अपनी नोट में लिखना है। आगे देखिए एक्टिविटी 4F, साचा विधानों सामे ट्रू अने खोटा विधानों सामे फॉल्स लाखो। तो इसका अर्थ यह है कि अगर जो विधान गलत हो उसके सामने फॉल्स और जो सही हो उसके सामने ट्रू लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेहा बहन इज पिंकू सिस्टर, नेहा बहन पिंकू की बहन थी, तो इधर आंसर आएगा फॉल्स,
नहीं, वो तो उनकी माता थी। गोलू इज पिंकूस ब्रदर, तो आंसर आएगा ट्रू, यस। गोलू भाई हैज ए मैगजीन, रोहित भाई हैज ए मैगजीन, रोहित भाई के पास मैगजीन थी, तो आंसर आएगा फॉल्स, नहीं उनके पास तो न्यूज़पेपर था। देयर आर एट द सीशोर, क्या वो समुद्र का किनारा था, तो आंसर आएगा ट्रू। देयर इज़ ए बलून मैन इन द पिक्चर, तो आंसर ट्रू। देयर इज नो वाटर इन द पिक्चर, तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि पिक्चर जो चित्र हमें दिखा है उसमें पानी था। बच्चों अब देखिए एक्टिविटी 4G, शब्दों योग क्रम में गोठवी साचू वाक्य बनाओ। तो हमें ये जो कुछ हमें जो शब्द दिए गए हैं वो थोड़े आगे पीछे, मतलब इनके नंबर्स गलत हैं, तो हमें इन्हें नंबर वाइज सही लिखना है। तो लिखा है यहाँ पे पहला नेहा बेन फ्रूट्स हैज, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए एक्टिविटी 4G, शब्दों योग क्रम में गोठवी साचू वाक्य बनाओ। हाँ तो हमने ये पढ़ लिया, अब देखना है नेहा बेन फ्रूट्स हैज, तो आंसर आएगा नेहा बेन हैज फ्रूट्स। गोलू प्लेइंग इज, तो आंसर आएगा गोलू इज प्लेइंग। थर्ड पिंकू गोलू सिस्टर इज, तो आएगा गोलू सिस्टर इज पिंकू। फादर इज रोहित भाई गोलूज, तो रोहित भाई इज गोलूज फादर। गोलूज रेड इज बॉल, गोलूज बॉल इज रेड। आर देयर स्टूडेंट इन द क्लास, तो आंसर आएगा देयर आर स्टूडेंट इन द क्लास। सेवन्थ में इज पिंकू गोलूज सिस्टर, तो आंसर आएगा पिंकू इज गोलूज सिस्टर। अब हमें दिया गया है यहाँ पर हमारे ये सेवन्थ क्वेश्चन आंसर के साथ ख़त्म हुए हैं, तो एक्टिविटी फोर यहाँ कंप्लीट हुई हमारी। देखिए बच्चों एक्टिविटी 6, जूथ में काम करो, उदाहरण प्रमाणे आपेली विगतो आधारे दरेक व्यक्ति ने विगत लाखो। तो बच्चों यहाँ हमें क्या करना है कि हमें यहाँ ड्राइंग दी गई है, पिक्चर्स दी गई हैं, तो उनके बारे में यहाँ दिया गया है, तो उसी प्रकार हमें पढ़ना है। तो यहाँ फर्स्ट दिया गया है विश्वा 10 ईयर ओल्ड स्टूडेंट करली हेयर टॉल, तो उदाहरण इसे हमें इस तरह बनाना है विश्वा इज ए गर्ल, सी इज ए 10 ईयर ओल्ड, सी इज ए स्टूडेंट, सी हैज करली हेयर, सी इज ए टॉल। तो इसका अर्थ होता है कि ये लड़की जो है विश्वा एक लड़की है, वो 10 वर्ष की है, वो एक विद्यार्थिनी है, उनके बाल करली मतलब घुंघरालू हैं, सी इज टॉल वो लंबी हैं। तो इसी प्रकार हमें नीचे यहाँ दिया गया है मिस्टर वाशवा ए डॉक्टर 52 ईयर्स ओल्ड शॉर्ट, तो मिस्टर वाशवा इज ए मैन, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए 52 ईयर्स ओल्ड, ही हैज शॉर्ट, वो मतलब छोटे हैं। अब ये हमें दिया गया है थर्ड मिस परमार, मिसेस परमार, यह तो यहाँ आएगा आंसर हमारा मिसेस परमार इज ए वुमेन, सी इज 35 ईयर्स ओल्ड, सी इज ए 35 ईयर्स ओल्ड, सी इज ए हेयर ड्रेसर, सी इज ए फैट। इसी प्रकार आपको भी ये इनके बारे में जो जानकारी दी गई है अपने नोट में लिखनी है जिस तरह मैंने बताया। एक्टिविटी 7A, अहीं गोलूनू फैमिली चार्ट आपेलो छे जो अने नाम लखो। तो बच्चों हमने जो स्टोरी पढ़ी थी वो गोलू के फैमिली के बारे में थी, ये चार्ट उसी के ऊपर है। तो देखिए फैमिली चार्ट, फैमिली चार्ट फादर मदर
सिस्टर, ब्रदर। तो बच्चों देखो यहाँ क्या दिया गया है, आई एम ए गोलू, माय फादर्स नेम इज रोहित भाई, माय मदर नेम इज नेहा बेन, माय सिस्टर नेम इज पिंकू। तो ये कंप्लीट हुआ ये चार्ट गोलू की फैमिली के बारे में। बच्चों तो यहाँ भी हमें एक चार्ट दिया गया है जो फैमिली के बारे में, एक्टिविटी 7B, तुम्हारा कुटुंबनो फैमिली चार्ट बनाओ, कुटुंबना सभ्यों नाम लखो, तेमना चेहरा आपेली जगह में दोरो। तो देखो बच्चों ये फैमिली चार्ट, ये आपको अपनी फैमिली के बारे में ना जानकारी देनी है। ग्रैंडफादर दादाजी, ग्रैंड मदर दादी जी, ग्रैंडफादर दादाजी, ग्रैंड मदर दादी जी, फिर आंटी अंकल, माय फादर माय मदर अंकल आंटी, ब्रदर सिस्टर माय सेल्फ। तो इसी प्रकार आपको भी अपना फैमिली चार्ट बनाना है तथा उनके नाम लिख रहे हैं, उनके फ़ोटोज़ आपकी नोटबुक में लगानी है। ये इस जगह आपको बताना है सारी जानकारी, मतलब कि हमारे पिता का नाम आपके, आपकी माता का नाम, आपके दादाजी का नाम, आपकी दादी का नाम, आपकी बहन का नाम, अंकल आंटी सबका नाम यहाँ लिखना है। बच्चों हमें यहाँ एक्टिविटी 8 दी गई है, जोड़ी में काम करो आपेला कोयड़ा उकेले ने जवाब लिखो। तो अर्थात ये हमें कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, इनके आंसर हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट पहेली है हमारी, इट इज़ ए बिग एनिमल, वो बहुत बड़ा प्राणी है। इट हैज़ टू लॉन्ग टीथ, उसके पास दो बड़े दांत हैं। इट हैज़ ए ट्रंक, उसके पास एक पूंछ है। व्हाट इज इट, वो कौन है? तो आंसर आएगा एलिफेंट, अर्थात हाथी। सेकंड दी गई है हमें, इट हैज़ ए नो वाइंस, उसके पास कोई पंख नहीं है, बट इट फ्लाइज इन द स्काई, लेकिन वो उड़ता है, आकाश में उड़ता है। इट इज़ नॉट ए बर्ड, वो कोई पक्षी नहीं है। व्हाट इज इट, वो कौन है? तो आंसर आएगा एरोप्लेन। थर्ड दिया गया है हमें, इट हैज़ 4 लेग्स, उसके पास 4 पैर हैं। इट कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती। वी सिट ऑन इट, हम उस पर बैठते हैं। व्हाट इज इट, वह कौन है? तो आंसर आएगा हमारा चेयर। चेयर के 4 लेग्स होते हैं, लेकिन वो चल नहीं सकती है, पर हम उस पर बैठते हैं। तो इसी क्वेश्चन आंसर हमारा ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। और जो जो एक्टिविटी मैंने आपको करने के लिए दी है वो आप अपनी नोटबुक में करना।